सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो सुमन अभी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम स्क्रे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इस सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी A71 के टॉप और हाइडन, उसमें से कुछ फीचर्स हाइडन भी है और उसमें से कुछ फीचर्स है ना टॉप भी हैं। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे फीचर हैं, वैसे आपको कौन सा फीचर अच्छा लगता है लास्ट में नीचे कमेंट्स में एक बार बता देना। दोस्तों ये तो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A71। आज मैं आपको इस स्मार्टफोन के टॉप 25 फीचर्स बताने वाला हूँ। टॉप भी हो सकते हैं और हाइडन भी हो सकते हैं, हाइडन फीचर भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस स्मार्टफोन के 25 फीचर हैं। अब सबसे पहले आते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहला फीचर है दोस्तों, अब मान लो कि अभी आप कोई भी एक ऐप ओपन कर लिया, मान लो कि यूट्यूब मान लो, और मैं यूट्यूब ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको क्या कर देना, रिसेंट वाला बटन दिख रहा हो ना आपको, इस रिसेंट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको यूट्यूब का आइकॉन दिख रहा है ना, उस यूट्यूब के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको जूम करके बता देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद ये पॉपअप हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कहीं भी आप इसको यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो देखते देखते ही आप कोई भी दूसरा यहाँ पर काम कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। आप देख सकते हैं दोस्तों इसको ऐसे करके आप यहाँ से नीचे से आप इसको एडजस्ट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर एक बार कोने में लगा कर आप कोई भी दूसरा काम भी अपने स्मार्टफोन में ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको छोटा दिख रहा है तो उसको ऐसे करके क्रॉप करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी इसको ऐसे करके छोटा भी कर सकते हैं, और कहीं भी इसको कोई भी कोने में कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं ऐसे एडजस्ट करके। दोस्तों उसके बाद आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है, और जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है। सो आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हाँ यहाँ है, तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद एक बार यहाँ पर बीच में इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद शो ऑलवेज इसको इस पर आपको क्लिक कर देना है, शो ऑलवेज पर, उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यहाँ पर टाइमिंग दिखा देता है। और एक बार दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकॉन नहीं दिख रहा है हमको, उसको भी ऑन कर लेना है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, यही सेटिंग में आपको नीचे आपको आना है, शो फिंगरप्रिंट आइकॉन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शो फिंगरप्रिंट आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है, अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पर शो इस ऑफ इसको क्लिक कर देना है, अलवाइज ऑन डिस्प्ले इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लॉक करते हैं ना, तो अलवाइज ऑन डिस्प्ले हो जाता है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का आइकॉन भी यहाँ पर दिख जाता है, तो यहाँ पर अच्छी बात हो सकती है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहीं से अनलॉक हो जाता है फ़ोन, यहीं से आप फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है ऐप्स स्क्रीन ग्रिड, मतलब आइकॉन्स बहुत ही बड़े दिख रहे हैं ना, तो इसको भी हम छोटा करेंगे। जाना है आपको सबसे पहले सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको होम स्क्रीन जो आपको दिख रहा हो ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों होम स्क्रीन ग्रिड, मतलब होम स्क्रीन भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, आप साइज देख सकते हैं। ये फिलहाल है मेरा 4x5 है, और इसको हम छोटा करके 5x6 भी कर सकते हैं। ऐप्स स्क्रीन ग्रिड मतलब इसको आप 5x6 करेंगे ना, तो सेव करेंगे ना, तो ये छोटे हो जाते हैं आइकॉन्स। यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना आपको आइकॉन्स, अभी तक बड़े थे लेकिन अभी छोटे हो गए। दोस्तों उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट को लेके, स्क्रीनशॉट क्रॉप को लेके। अब मान लो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ना क्रॉप, ये क्रॉप पर क्लिक कर देना है। अब मान लो कि ये गूगल दिख रहा है ना आपको, इतना ही स्क्रीनशॉट लेना था, तो हमको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ क्रॉप बटन पर क्लिक करके हमको इतना ही उस पर अटैच कर देना है, इसे एडजस्ट कर देना है, एडजस्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है, वो उतना ही फोटो उतना ही स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा गैलरी में। दोस्तों उसके बाद आते हैं रेड्यूस एनिमेशन को लेकर, मतलब पांचवा फीचर है दोस्तों, ये पांचवा हिडन फीचर है। सेटिंग ऑन करने के लिए जाना है दोस्तों अपने एडवांस सेटिंग में, एडवांस फीचर में जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों रेड्यूस एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये फ़ोन है ना बहुत ही स्पीड हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कितना स्पीड होगा ये, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी लोडिंग वगैरह कोई भी रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है ना, ऐसे ही दिखता है ये इसको ऑन करने के बाद, आप देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कितना स्पीड होगा, और इसको एक बार ऑफ करके भी मैं बता दूंगा ये कितना स्लो हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतना स्पीड हो गया, वैसे अभी मैं इसको ऑफ करके बता देता हूँ ये कितना थोड़ा स्लो हो सकता है। आपको एडवांस फीचर्स में जाना है और आपको रेड्यूस एनिमेशन पर इसको ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी थोड़ा स्लो महसूस हो रहा है, आप देख सकते हैं, वैसे ये भी एक अच्छा फीचर है दोस्तों, इसको भी ऑन कर लेना है।
एडवांस फीचर में जाना है और रेडियस एमिनेशन पर इसको क्लिक करके ऑन कर लेना है, थोड़ा स्पीड हो जाता है अपना फ़ोन। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना स्पीड हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है दोस्तों। ये कितना पांचवा फीचर है। उसके बाद छठवा फीचर आता है दोस्तों। छठवा फीचर वन हैंडेड मोड, मतलब ये थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है। वहीं सेटिंग में जाना है, एडवांस फीचर में जाना है और आपको यहाँ पर ढूंढना है वन हैंडेड मोड कहाँ है। आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देख सकते हैं, मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद क्या फ़ायदा है इसका मैं आपको बता देता हूँ। और इसको आपको बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर बटन है ना, इसको ऑन कर देना है। बैक आना है आपको, इस होम बटन पर डबल क्लिक करने के बाद छोटा हो जाता है ऐसा स्क्रीन। ऐसे आप छोटे स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं ये ऐसा छोटा स्क्रीन। ऐसे करके आप छोटा स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं इस सैमसंग के A71 में। ये भी एक फीचर है दोस्तों। ये कितना फीचर है, ये छठवां फीचर है। अब बात करते हैं सातवें फीचर की। आपको क्या करना है, जाना है एडवांस फीचर में और जाने के बाद आपको कहाँ क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है मेंशन एंड गोस्टर, आपको जो भी दिख रहा है ना फीचर उस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो डबल टैप टू वेक, मतलब इसको ऑफ था अभी तक लेकिन मैं इसको ऑन कर लिया था थोड़ी देर पहले, इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ आपको। लॉक, अब मान लो कि अभी फोन अपना लॉक हो गया। लॉक होने के बाद आपको ये लॉक बटन क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप डबल टैप कर सकते हैं। ऐसे डबल टैप करने के बाद स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें डबल टैप कर लिया तो ये स्क्रीन ऑन होगा। ये इसमें डबल टैप टू वेक ये फीचर है, इसको भी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा यूज करने के लिए। आपको ये बटन क्लिक करके अनलॉक करने की यहाँ पर कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद आता है लिफ्ट टू वेक, वहीं है उसी के ऊपर है, मतलब जो मैं आपको डबल टैप टू वेक फीचर बताया था ना उसके ऊपर ही है लिफ्ट टू वेक। ये फीचर मैं ऑन कर लिया था दोस्तों थोड़ी देर पहले, ये भी ऑफ था, इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद इसका फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लो कि आप अपना स्क्रीन अपने फोन को ऐसे रख लिया, कहीं भी रख दिया, रखने के बाद आपको अपने फोन को लेते वक्त अपने फोन को उठाएंगे ना तो ऑटोमेटिक स्क्रीन है ना ऑन हो जाता है। ये दोस्तों लिफ्ट टू वेक ये फीचर है दोस्तों। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये नौवा फीचर है, नाइन फीचर है। ये क्या फायदा होगा इसका और ये कैसा फीचर है, ये क्या फीचर है हमको बता देता हूँ। जाना आपको अपने फोन के सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको सर्च कर देना है। मैं सर्च कर देता हूँ, सर्च यहाँ पर देख सकते हैं आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसको ऑन कर लेना है। आप है ना स्क्रीन पर कोई भी अपना नाम लगा कर रख सकते हैं। तो अब मान लो कि मेरे चैनल का नाम ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, इट्स टेक्निकल। आप देख सकते हैं इट्स टेक्निकल मैंने डाल दिया और डाल रहा हूँ अभी, टाइप कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं इट्स टेक्निकल में डाल दिया। देख सकते हैं कोई भी आप इमोजी भी लगा सकते हैं आइकॉन का, मतलब ये देख सकते हैं। तो मैं ये कोई भी एक इमोजी यहाँ पर लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक दो तीन इमोजी मैं लगा लिया। लगाने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लॉक स्क्रीन करते हैं ना, लॉक स्क्रीन करने के बाद हम ऑन करते हैं ना स्क्रीन को, तो यहाँ पर इट्स टेक्निकल दो इमोजीज आपको दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे नाम डाल सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये फीचर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इट्स टेक्निकल मेरा चैनल का नाम। ये नाइन्थ फीचर था दोस्तों। उसके बाद आता है दसवां फीचर, आता है कलर लेंस को लेकर। कलर लेंस क्या है, मैं उसको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में और सर्च बार में आपको सर्च कर देना है कलर लेंस, आपको सर्च कर देना है। मैं सर्च कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कलर लेंस आ गया, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। कलर लेंस को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देख सकते हैं इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कलर्स आएंगे। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कलर को और कम भी कर सकते हैं, जितना आप चाहिए उतना कम भी कर सकते हैं। ये ब्लू एक ही कलर नहीं, इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको कलर्स तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैगेंटा, मतलब आपको बहुत सारे कलर्स यहाँ पर मिलेंगे, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब इसकी बैटरी है ना, ये कलर्स रखने के बाद बैटरी कंज्यूम भी ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। बैटरी बैकअप के लिए भी ये फीचर बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों उसके बाद आता है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, उसके लिए आपको सर्च कर देना है यहाँ पर हाई और कॉन्ट्रास्ट। आप देख सकते हैं इसमें टाइप कर रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट और फॉन्ट्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, इसको क्लिक करेंगे ना थोड़ा ये हमारे फॉन्ट्स है ना थोड़ा हाई हो जाएंगे, थोड़ा अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एकदम सामने फोन लेकर आपको बता देता हूँ। अभी एक बार आप फॉन्ट देखिए और इसको ऑफ करने के बाद फॉन्ट देखिए दोस्तों, अभी चेंज हो गए फॉन्ट्स। और इसको ऑन करने के बाद फॉन्ट्स देखिए दोस्तों, अभी ऐसे हो गए। ये भी एक फीचर है दोस्तों। ये कितना फीचर था, ये 11वां फीचर था। अभी बाकी के दोस्तों अभी 14 फीचर्स हैं, वो भी कमाल के फीचर हैं, आप जरूर देख लेना दोस्तों। उसके बाद आता है
थोड़ा नीचे ये है कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड। अभी तक हमारा ये ना कीबोर्ड वो व्हाइट था, अभी इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड के, ऐसे करके आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी आप कलर ले सकते हैं, ऐसे करके आप कीबोर्ड के भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों 13वां फीचर है। 13वां फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी ऐप्स को आपको हाइड करना, कोई भी इंपॉर्टेंट आपका आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहते वो ऐप, तो ऐसे ऐप को आप हाइड कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर ढूंढना है हाइड ऐप्स कहाँ है। आप देख सकते हैं इसमें हाइड ऐप्स यहाँ पर है। आप मान लो कि अभी अमेज़न को हमको हाइड कर देना है। आप कोई भी ऐप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं ऐसे करके। मैं अमेज़ॉन को हाइड करके आपको बता रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अमेज़ॉन पर इसको क्लिक कर देना है, जो आपको हाइड करना है वो ऐप को क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अमेज़ॉन को हम ढूंढेंगे ना तो अमेज़ॉन यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अमेज़ॉन ही हमको नहीं मिलेगा क्योंकि वो हाइड हो चुका है। अगर उस हाइड किए हुए ऐप्स को वापस लाना है तो आपको क्या करना है, वहीं जाना है आपको, वहीं सेटिंग जाना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करके होम स्क्रीन सेटिंग पर जाकर आपको हाइड ऐप्स को दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ पर माइनस करके और डन पर यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो वापस से आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वापस वो वापस आ गया एप्लीकेशन हाइड किया हुआ। ये दोस्तों कितना फीचर था, ये 13वां फीचर था। उसके बाद आता है 14वां फीचर, आता है 14th फीचर। वो है दोस्तों डिवाइस केयर को लेके। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में, जाने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद डिवाइस केयर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑप्टोमाइज नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। ये पूरा ऑप्टोमाइजिंग हो रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इसको एंटीवायरस का ये ऐप है, ऐसे ये सेटिंग में आता है दोस्तों। इसको आप ऑप्टोमाइज नाउ पर क्लिक करके इसको ऑप्टोमाइज कर लेंगे ना तो थोड़ा स्क्रीन थोड़ा हमारा फ़ोन है ना स्पीड चलेगा, ये पूरा वायरस वगैरह कुछ भी है तो वो चला जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा और थोड़ा स्मूथली चलेगा हमारा फ़ोन इसको कर लेंगे तो। एक इतना फीचर था दोस्तों, 14वां फीचर था। उसके बाद आता है 15वां फीचर, आता है बैटरी परसेंटेज को लेकर। आपको जाना है सेटिंग में, आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको हमको नहीं दिख रहा और यहाँ पर ऊपर दिख रहा है बैटरी परसेंट, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस बार आप इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेटस बार पर आपको क्लिक करने के बाद शो बैटरी परसेंटेज आपको इस पर क्लिक कर देना है। हमारी बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखाना शुरू हो गई दोस्तों। ये ऐसा बैटरी परसेंटेज ऑन करने का फीचर। उसके बाद आता है दोस्तों 16वां फीचर, आता है साइड क्यू को लेकर। आपको जाना है अपने एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको साइड की आपको दिख रहा हो ना, साइड की पर क्लिक करके आपको इस सेटिंग जाना है। पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हो डबल क्लिक करते ही ये कैमरा ओपन हो गया। कोई भी यहाँ पर ऐप यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ओपन ऐप। आप कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ऐप लगा सकते हैं, मान लो कि फेसबुक, फेसबुक को मैं क्लिक कर देता हूँ। फेसबुक पर क्लिक करने के बाद जब भी हम डबल क्लिक करेंगे ना पावर बटन को तो डायरेक्ट फेसबुक ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हाइड बटन को लेकर। मतलब ये कितना फीचर है, ये दोस्तों 17वां फीचर है, 17 फीचर है। ये बटन है ना, इसको हाइड भी कर सकते हैं। कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइड करने के बाद है ना, ये स्क्रीन भी हमारा थोड़ा बड़ा दिखेगा। कोई भी हम इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बड़े स्क्रीन में ये हमारा स्क्रीन इस्तेमाल हो जाता है। आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडवांस फीचर दिख रहा है ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये फीचर पर आपको क्लिक कर देना है। नेविगेशन बार जो भी आए ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं फुल स्क्रीन आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारे बटन से ना हाइड हो गए। आप देख सकते हैं बैक करना है तो हमको यहाँ से साइड से हमको स्वाइप करना है ऐसे, तो हमको यहाँ से बैक हो जाएगा। कोई भी ऐप ओपन कर ले यहीं से बैक आता है, यहाँ से पूरा स्क्रीन आना है हाइड हो जाता है। ये होम स्क्रीन, और ऐसे करके आप अपने स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बटन्स को हाइड कर सकते हैं। ये भी फीचर था। ये कितना फीचर था दोस्तों, ये 17वां फीचर था। उसके बाद आता है इसमें 18वां फीचर, आता है क्लॉक स्टाइल। मतलब टाइमिंग दिख रहा है ना, ये टाइमिंग का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को जाना है अपने सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ ढूंढना है, यहाँ पर है क्लॉक स्टाइल दिख रहा है ना आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, मतलब स्टाइल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे आप कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे लॉक स्क्रीन पर टाइमिंग क्लॉक स्टाइल। और उसके बाजू में आपको कलर बोल के दिख रहा होगा, कलर पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कलर आप चूज़ करके वो कलर को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपको दिख रहा होगा मैं कर रहा हूँ, आपको डन पर क्लिक कर देना है। वैसे जो है ये बाजू वाले जो भी दिख रहे हैं ना टाइमिंग के, वो कलर्स के हो जाते हैं।
जो आपको चाहिए वैसे आप स्टाइल लगा सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर क्लॉक स्टाइल। ये था दोस्तों कितना फीचर था, ये 18 फीचर। अब बात करते हैं 19वें फीचर की, 19th फीचर की, उसके वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों हेड स्क्रीन, मतलब हेड स्क्रीन मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करना है, उसको ऑन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जाना दोस्तों अपने फ़ोन की सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एड एड जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इसे स्वाइप अप करके आप यहाँ पर कोई भी ऐप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो कि आप कोई भी एक ऐप यूज़ कर रहे हो, मतलब मान लो कि आप चैटिंग ही कर रहे हो, क्योंकि चैटिंग है ना आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो चैटिंग यूज़ कर रहे हो आप, चैटिंग करते करते आप कोई भी एप्लीकेशन वहीं से आपको ओपन करना है तो स्वाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ऐप्स को आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और भी एप्लीकेशन, आपको पर्सनल एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करना है, एडिट बटन पर क्लिक करके कोई भी ऐप यहाँ से पर्सनल एप्लीकेशन यहाँ से ले सकते हैं, लेकर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको स्वाइप अप करेंगे तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ये था दोस्तों कितना फीचर था, ये 19th फीचर था ना 19वां। अब बात करते हैं तो 20वां फीचर की, ये दोस्तों स्क्रीन शॉट स्टाइल, मतलब आपको अपने फ़ोन में A71 में स्क्रीन शॉट लेना है तो माइनस वाला बटन क्लिक कर देना, आपको जो साउंड कम करने वाला बटन होता ना वो बटन पर क्लिक कर देना है, और पावर बटन दोनों को एक साथ आपको प्रेस कर देना है। एक साथ प्रेस करते ही स्क्रीन शॉट हमारा निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता दोस्तों एक और फीचर है स्क्रीनशॉट लेने का इसी A71 में, ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो तरीके हैं दोस्तों अपने A71 में स्क्रीनशॉट लेने के। उसके बाद आता है दोस्तों हेड लाइटिंग। आप मान लो कि आप देख सकते हो वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। हेड लाइटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेटिंग में चला जाएगा डायरेक्ट, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ना दोस्तों आप कोई भी आपको नोटिफिकेशन आया तो आपको अलग से यहाँ पर लाइटिंग वगैरह दिखेगी, ऐसे आपको देख सकते हैं। आप मान लो कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आया है तो ऐसे आपको यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह दिखेंगे, ऐसे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको आया है बोल के याद दिलाने के लिए आपको यहाँ पर एक फ़िल्टर ऐसे मारेगा। सो कलर वगैरह कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, अलग आपको जो चाहिए अपने स्टाइल में वैसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना फीचर था दोस्तों, ये फीचर था दोस्तों 21वां फीचर था। और उसके बाद बात करते हैं 22वें फीचर की, 22वां फीचर था दोस्तों डार्क मोड को लेकर। ये डार्क मोड भी यहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं डार्क मोड। डार्क मोड तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दिन में भी यूज़ करते हैं, रात में भी यूज़ करते हैं। बहुत लोग चाहते हैं दिन में नहीं यूज़ करें, रात में इतना ही यूज़ करें, तो और बहुत लोग ये भी सोचते हैं बार बार इसको कौन ऑन करे, ये भी सोचते हैं बहुत लोग। तो उसको क्या करना है, ये डार्क मोड का फीचर दिख रहा है ना, उसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको जो शेड्यूल बोल के जो ऑप्शन है पर दिख रहा है ना, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करते ही दोस्तों रात में जैसे शाम के 7 बजेंगे ये ऑन हो जाता है डार्क मोड, और जैसे सुबह के 7 बजेंगे ये डार्क मोड है ना ऑफ हो जाता है। दिन में पूरा व्हाइटिंग हो जाता है और रात में पूरा डार्क मोड हो जाता है, तो सेफ्टी रहेगी, ऑटोमेटिक ऑन होगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 23वां फीचर आता है डॉल्बी एटमोस को लेकर। डॉल्बी एटमोस, आप मान लो कि डॉल्बी एटमोस तो इसमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, एयर स्पीकर को सपोर्ट नहीं है, अगर हम हेडफोन लगा लिया ना तो उतना ही डॉल्बी एटमोस का हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप हेडफोन लगा लिया तो डॉल्बी एटमोस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद थोड़ा साउंड है ना स्मूथ लगाएगा, और डॉल्बी एटमोस का मतलब आप समझ सकते हैं। ये भी एक फीचर था दोस्तों डॉल्बी एटमोस का फीचर, ये कितना था 23वां फीचर था। और उसके बाद आता है दोस्तों फोकस मोड। फोकस मोड को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फोकस मोड इसको ऑन कर लेना दोस्तों। इसको ऑन करने के बाद आप है ना कोई भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। आप मान लो कि कोई भी आप काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप चाहते नहीं कि आपको नोटिफिकेशन दिखे, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन ही नहीं दिखेगा थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसे करके भी आप थोड़ी देर के लिए नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, ये तो फोकस मोड। और उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट फीचर आता है 25 फीचर आता है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर आता है, आपको जाना है आपको अपने फ़ोन में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाना है फोन सेटिंग में, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्डिंग कॉल्स आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर ऑटो रिकॉर्डिंग इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन में लग गया है दोस्तों। ये था दोस्तों लास्ट फीचर और 25वां फीचर, ये है दोस्तों सैमसंग के A71 के टॉप 25 फीचर्स। और हेडिंग फीचर भी इसमें कुछ हैं, और आपको इसमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा टॉप 25 में ज़रा नीचे कमेंट्स में बता ही देना।